अब देखिएगा अपने वर्चुअल वर्क की जो एक्सरसाइज हमारी 2D है उसके 2E उसके एग्जाम्पल हमारे चल रहे थे। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। थ्योरी छोटा सा ही क्वेश्चन है, थ्योरी वगैरह सब उसमें ही लिखी हुई है। टू स्मॉल स्मूथ रिंग्स ऑफ इक्वल वेट, दो छोटे छल्ले हैं और बराबर भार के हैं, स्लाइड ऑन ए फिक्स्ड इलेक्ट्रिक वायर। एक स्थिर दीर्घवृत्ताकार तार पर वो फिसल सकते हैं, पूरा इलेक्ट्रिक वायर जो है वो फिक्स है, तो कोई भी पॉइंट आप फिक्स ले लेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए एक फिक्स पॉइंट लेंगे जो कि हमारे इलिप्स का एक फोकस होगा। इलेक्ट्रिक वायर हूज मेजर एक्सिस इज वर्टिकल, जो इलेक्ट्रिक वायर लेना है उसकी मेजर एक्सिस जो है वो वर्टिकल लेनी है। इस तरह की पोजिशन हो जाएगी। ये इलिप्स ले लिया गया है यानी कि इलेक्ट्रिकल वायर ले लिया गया है और दो फोकस इसमें होते ही है और उसमें से किसी एक फोकस को हमें फिक्स पॉइंट मान करके जो है अपने डिस्टेंस की जो है कैलकुलेशन हमें करनी है और इस पर दो छल्ले फिसल सकते हैं और दोनों का भार बराबर है। दे आर कनेक्टेड बाई स्प्रिंग विच पासेज ओवर ए स्मॉल स्मूथ पेज एट द अपर फोकस, जो तुम्हारे दोनों छल्ले हैं वो एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और वो स्प्रिंग जो है वो एक स्मॉल स्मूथ पेज एट द अपर फोकस, ऊपर वाले फोकस पर एक पेज है और वहाँ से होती हुई जा रही है। अब तो बात ही खत्म हो गई कौन सा पॉइंट फिक्स होगा, क्योंकि पेज जो है वो तो फिक्स पेज यानी कि खुट्टी जो है वो तो फिक्स पॉइंट होती है ना, तो यहाँ पर जो है पेज जो है हमारी फिक्स हो जाएगी और वो ऊपर वाली पेज जो है फिक्स उस पर है, ऊपर वाली जो पेज है वो ऊपर सॉरी जो पेज है वो ऊपर वाले फोकस पर है और उससे से धागा होकर के जा रहा है, एक छल्ला बाईं तरफ आ जाएगा और एक छल्ला जो है वो दाईं तरफ आ जाएगा, ऐसे समझ लीजिएगा। ये हमारा ऊपर वाला फोकस एस है और एक वेट हमारा यहाँ है छल्ले के रूप में और दूसरा वेट हमारा यहाँ है, ये छल्ले के रूप में हमारे दो वेट हैं, दोनों समान है। मान लीजिएगा छल्ले का नाम एयर भी है, एक वेट डब्ल्यू हो जाएगा और यहाँ भी एक वेट जो है वो डब्ल्यू हो जाएगा। अब वो कहता है शो दैट द वेट्स विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर एवर दे आर प्लेस्ड, अब वो हमसे कहता है कि सिद्ध कीजिएगा कि ये वेट कहीं भी अगर रखे जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम में होंगे होंगे, यानी कि आप वेट को कहीं भी लेकर के कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो वो साम्यावस्था को संतुष्ट करेंगे। देखिएगा साम्यावस्था जब हमारी संतुष्ट हो जाती है तो हम इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई करते हैं और इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में जो है राइट हैंड साइड में हम जीरो लेते हैं। अब हमसे वो कह रहा है कि आप कहीं भी वेट लेकर के चलिएगा तो आपकी इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इस बार जो इक्वेशन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगेगी। हम इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क जब निकालेंगे तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि हर जगह किसी भी पॉइंट पर अगर हम हो यानी कि हमारे जो दोनों वेट है वो किसी भी पॉइंट पर अगर हो तो वहाँ पर जो है वर्चुअल वर्क की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, अर्थात भार कहीं भी रख दिया जाए तो हमेशा साम्यावस्था में ही रहेंगे। यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस एस है क्योंकि वहां पर पेज है तो वो फिक्स पॉइंट है। अब वहीं से हमारा डिस्टेंस नापते हैं तो मुझे एक ए तक की वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए और एक बी तक की वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए होगी। अब BSc पार्टन में पोलर इक्वेशन पढ़ाई जाती है, पोलर इक्वेशन में एस को जो है पोल माना जाता है तब हमारी इक्वेशन लिखी जाती है, तो ये वाला जो क्वेश्चन हम करेंगे वो पोलर इक्वेशन की फॉर्म में ही करेंगे। देख लीजिएगा एक तो डिस्टेंस यहाँ से चाहिए होगी, एक डिस्टेंस यहाँ से चाहिए होगी, एक डिस्टेंस यहाँ से चाहिए होगी। 90 डिग्री डाल दिया है, ये एल है और ये एम है, ये एल और एम है। अब ऐसे मान लीजिएगा एस को जो है पोल मान लीजिएगा और बी के कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा आर कॉमा थीटा। अब ये तो हमारा थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आर, थीटा हो जाएगा और आर हो जाएगा। अब ये जो है थीटा हो जाता है और आर हो जाता है।
जो धागा है वो धागा धागे में टेंशन हमसे नहीं पूछी है, तो धागे की टेंशन हम नहीं लेंगे। जो ए बी वाला धागा है इसकी कुछ ना कुछ लंबाई रही होगी, जब धागे में टेंशन नहीं पूछी है तो इसकी लंबाई का डिफ्रेंशिएशन भी नहीं होगा, वो आपके लिए फिक्स्ड की तरह से, कांस्टेंट की तरह से कार्य करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस पूरे धागे की स्मॉल ए मान लेता हूँ, तो आर का धागा जो है देखिएगा बी तक हो चुका है, तो लैम्ब्डा का धागा जो है वो ए माइनस आर पर चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका ए माइनस आर। ये आपकी धागे की लंबाई हो जाएगी ए माइनस आर। अब यहां से देख लीजिएगा, ये ए बार बार इंच हो रहा है, अब थ्योरी वगैरह वो सही है, कैलकुलेशन जो होगी वो थोड़ी सी होगी। दो बेट है हमारे पास, एक डब्ल्यू इधर है एक डब्ल्यू इधर है, ये डब्ल्यू बी पर कार्य कर रहा है तो इसके लिए डिस्टेंस आपको ऐसे चाहिए, और ये आपका वेट डब्ल्यू ए पर कार्य कर रहा है तो इसके लिए आपको डिस्टेंस एस एम चाहिए। तो दो आपको डिस्टेंस निकालनी होंगी, एक एस एम निकालनी है और एक एस एम निकालनी है। अब ये थीटा ले लेते हैं, ये वाला अब यहां से देखिएगा, अगर इस वाले ट्रायंगल में आ गए, अब देखिएगा इक्वेशन पोलर इक्वेशन ऑफ डिग्री जो होती है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। एल हमारा सेमीलेटर सेंटर है, ई हमारी सेंट्रलिटी है, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। फोकस से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबसे आसान तरीका रहेगा कि आप फोकस को जो है पोल मान करके इक्वेशन लिख लीजिएगा, इसीलिए जो है पोलर इक्वेशन लिखी गई एल अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। अब यहाँ पर दोनों डिस्टेंस की हमें आवश्यकता पड़ेगी, आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर इस वाले ट्रायंगल में अगर आप यहाँ से पहले ये देखिएगा, यहाँ से अगर कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू ये 1 ये हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा और अपॉन में ई आर हो जाएगा, ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब इस डायग्राम में जाकर के आप कैलकुलेशन करेंगे एस एल, अगर ऐसे जाते हैं तो यहाँ पर ये हमारा बेस हो जाता है, ये हो जाता है हमारा आर कॉस थीटा डायग्राम के अकॉर्डिंग, और जब आर कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एल आर माइनस एल अपॉन ई, ये वैल्यू आ जाती है। जब इस वाले ट्रायंगल में जाकर के कैलकुलेशन करेंगे तो जरूरत आपको एस एम की होगी, एस एम, एस एम जो हो जाएगा, एस एम जब यहाँ से लेने जाएंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बना हुआ है, ये 90 डिग्री बना हुआ है, अब उधर जो एंगल बना हुआ है वो थीटा बना हुआ है। एस एम लेने जाएंगे तो एस एम के लिए अब हम डायग्राम से नहीं ले सकते, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है, यहाँ कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है, और इधर से आर है तो इधर से ए माइनस आर होगा। तो जब हम ये वैल्यू लेने जाएंगे यहाँ से सिमिलरली दूसरी तरफ डायग्राम में हम नहीं दिखा सकते, सिमिलरली जो एस एम होगा अब यहाँ से सिमिलरली आर को रिप्लेस कर दीजिएगा, आर की जगह हटा करके ए माइनस आर डाल दीजिएगा, तो ए माइनस आर माइनस एल अपॉन ई ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये आ जाएगी जब आप यहाँ से सम ऑफ वर्चुअल वर्क निकालेंगे, सम ऑफ वर्चुअल वर्क इक्वल टू एक डब्ल्यू जो है डब्ल्यू डेल्टा, यहाँ एस एम लेंगे प्लस दूसरा डब्ल्यू है डेल्टा, इसके लिए एस एम लेंगे तो डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा डेल्टा, एस एम की वैल्यू ए माइनस आर माइनस एल अपॉन ई और प्लस डेल्टा इसमें आ जाएगा आर माइनस एल अपॉन ई, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब जो इलिप्स है, इलिप्स के लिए ए जो हमारा इलिप्स है उसमें सेमी लैटिस रेक्टमल कांस्टेंट होगा और ई उत्केंद्रता है वो भी कांस्टेंट होगी, और जो स्मॉल ए है वो धागे की लंबाई है वो भी कांस्टेंट होगी, तो यानी कि जो वेरिएबल बचेगा वो सिर्फ आर बचेगा। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाता है डब्ल्यू, यहाँ हो जाएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन ई प्लस डेल्टा आर अपॉन ई इक्वल टू जीरो।
अब देखिएगा हमने सम ऑफ वर्चुअल बाथ निकाला तो वो वैल्यू उठ करके जीरो आ रही है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अर्थात अगर वेट को आप कहीं भी रखेंगे तो जो है वो साम्यावस्था में हर जगह रुके रहेंगे। अब इसे मैंने कैलकुलेशन सिखा दी है, आप बुक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को पूरा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 का स्पष्टीकरण देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में है एक हैवी रॉड ऑफ लेंथ 12, एक भारी रॉड लीजिएगा जिसकी लंबाई जो है वो 12 है, रेस्ट अपॉन ए फिक्स्ड स्मूथ पेज एट से। वो रॉड एक पेज पर ठहरी हुई है जिसका नाम सी है, एंड विद इट्स एंड बी अपॉन ए स्मूथ कर्व, और रॉड का एक सिरा जो है वो कर्व पर ठहरा हुआ है। तो रॉड जो है कहीं तो पेज पर ठहरी हुई है और एक सिरा जो है उसका कर्व सी पर ठहरा हुआ है। इफ इट रेस्ट इन ऑल पोजिशन, अब वो कहते हैं कि आप रॉड को किसी भी तरह से रखिएगा, ये दोनों नियमों का पालन करती है कि वो पेज पर भी ठहरी हुई है और कर्व पर भी ठहरी हुई है और वो सभी पोजीशन में साम्यावस्था में रह सकती है। शो दैट द कर्व इज, कर्व के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है सी ओ एन सी एच ओ आई डी वो गलत है, उसमें से एच की जगह आई कर दीजिएगा तो जो वर्ड है वो कोनिकाइड है। शो दैट द कर्व इज कोनिकाइड, तो प्रदर्शित करना है कि वो कर्व जो है ये कोनिकाइड होगा। हूज पोलर इक्वेशन विद सी एच पोल, तो सी को जब पोल मान लेंगे तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो आएगी आर इज इक्वल टू एल प्लस ए अपॉन साइन थीटा। अभी जितने भी क्वेश्चन हो रहे थे उन क्वेश्चन में आपको कर्व की इक्वेशन मिल रही थी, तो आप वर्चुअल बॉक्स से कोई टेंशन वगैरह निकाल लेते, इस बार टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आप कर्व की इक्वेशन अगर निकालने जा रहे हैं तो आप डिफ्रेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन करें। डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे थे वर्चुअल बॉक्स की इक्वेशन में, उसमें डिफरेंशिएशन ना करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा हट जाएगा और हमारी कर्व की इक्वेशन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। अब देखिएगा मुख्य अकॉर्डिंग में बात करता हूं, ये मेरी रॉड है, इसका एक सिरा कर्व पर है, ये हमारा कर्व है, ये हमारी रॉड है, मान लीजिएगा ए बी, इसके कोऑर्डिनेट आर थीटा ले लेते हैं, ये सेंटर इसका मिड पॉइंट हो जाएगा सेंट्रल ग्रेविटी जी, यहाँ पर वेट डब्ल्यू हो जाएगा और ये पॉइंट सी पर एक पेज है, पॉइंट सी है, ये पेज है। जिस क्वेश्चन में पेज आ जाती है तो वो तो आपको पता ही है कि वो फिक्स पॉइंट हो जाता है, तो सी जो है फिक्स पॉइंट है और है ना, और पोलर इक्वेशन निकाल ली है तो सी को पोल मान करके आपको एंगल बनाना पड़ेगा। अब आर थीटा की तैयारी करेगा, जो बी वाला कोऑर्डिनेट है वो तो मैंने आर कॉमा थीटा कह दिया है ना, बी को कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर रॉड की लंबाई अब हम ले लेंगे, जो रॉड की लंबाई वो वाला लेगा, वो रॉड की लंबाई इन्होंने क्या ले रखी है, 12 ले रखी है, तो यानी कि ये क्या करते हैं, हाँ ले नहीं रखी, दे रखी है, पूरी लंबाई 12 है तो जी जो मध्य बिंदु है वो एल दूरी पर होगा, तो ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे एक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ये आपके लिए एक्स एक्सिस का काम करेगी, डिस्टेंस सी से नापी जाएगी, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए 90 L, तो आपको कैलकुलेशन के लिए जो डिस्टेंस चाहिए एक ही वेट इसमें डब्ल्यू रखा हुआ है और उसमें कैलकुलेशन के लिए जो डिस्टेंस चाहिए आपको डब्ल्यू के लिए वो ये चाहिए आपकी एल जी। अब सी को आप पोल मान रहे हैं और यहाँ कोऑर्डिनेट आपका आर थीटा क्या है, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा, तो पूरी लंबाई जो रॉड की हमने दे रखी है वो ए बी इक्वल टू 12 दे रखी है, तो यहाँ से ए जी इक्वल टू बी जी इक्वल टू एल हो जाएगा। अब देखिएगा सी से लेकर ये हाँ कोऑर्डिनेट मैंने आर थीटा कहे हैं, तो सी बी की वैल्यू आर हो जाएगी, सी बी इक्वल टू आर हो जाएगा, तो मुझे सी जी निकालनी है, तो सी जी निकालने के लिए आप सी बी में से जी बी घटा दीजिएगा, तो सी बी की वैल्यू आर है और माइनस ये ए हो जाएगी, ये सी जी की वैल्यू हो जाएगी, इस डायगोनल में जब जाएंगे तो ये आर थीटा के सामने का वर्टिकल हो जाएगा, तो एल जी इक्वल टू सी जी साइन थीटा, ये हो जाएगा आर माइनस ए साइन थीटा, आर माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। फिर सारी थ्योरी वगैरह वही लेंगे जब वर्चुअल वर्क की इक्वेशन लेने जाएंगे, वर्चुअल वर्क की इक्वेशन लिखने जाएंगे तो आप लिखेंगे W डेल्टा एल जी इक्वल टू जीरो, क्योंकि W इज नॉट इक्वल टू जीरो इसको इंप्लाइज डेल्टा एल जी इक्वल टू जीरो इसको इंप्लाइज डेल्टा एल जी की वैल्यू देख लीजिएगा,
ये हो जाएगा आर माइनस ए साइन थीटा, सॉरी आर माइनस ए नहीं है, लंबाई एल है, ये हो जाएगा आर माइनस एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब जैसे यहाँ ना और इक्वेशन में क्या करते थे हम, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देते तो टेंशन वगैरह निकल के आती थी, यहाँ टेंशन वगैरह कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा हट जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन आर माइनस एल साइन थीटा ये कर दो, यहाँ कॉन्स्टेंट आ जाएगा, इसको हम के मान लेंगे, आर माइनस एल इक्वल टू के अपॉन साइन थीटा, आर इक्वल टू एल प्लस ए अपॉन साइन थीटा। इस तरह से आर इक्वल टू प्रूव हो जाता है एल प्लस ए अपॉन साइन थीटा और आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर चार हम नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर चार नहीं करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। और देखिएगा धीरे धीरे जो है हमारी बुक ये खत्म होने वाली है पेपर। एग्जाम्पल नंबर फाइव बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फाइव की, एग्जाम्पल नंबर फाइव जो है ये होमवर्क में जा रहा है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह से, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह से। क्वेश्चन नंबर फाइव मैंने कराया था, उसमें तीन डॉट थी, तीन डॉट की जगह इसमें दो डॉट दे रखे, सिर्फ डिस्टेंस लेनी है और कुछ नहीं लेना है। ये होमवर्क हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर छः थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ मैं, जो एग्जाम्पल नंबर छः है वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। कैलकुलेशन में तो कोई स्पेशल नहीं है, कोई पैराबोला का सवाल है। एग्जाम्पल नंबर छः में है, टू हैवी रिंग्स, दो भारी छल्ले स्लाइड ऑन ए स्मूथ पैराबोलिक वायर, एक परवलयकार तार पर फिसल सकते हैं, दो भारी छल्ले एक परवलयकार तार पर फिसल सकते हैं, कूज एक्सिस इज हॉरिजेंटल एंड प्लेन वर्टिकल। जो पैराबोला है तार पैराबोलिक वायर है उसका तल जो है वो ऊर्ध्वाधर है और जो अक्ष लेनी है वो क्षैतिज लेनी है, तो यानी कि पोजीशन इस तरह से है। ये पैराबोलिक वायर है ना, ये पैराबोलिक वायर है, ये फिक्स पैराबोलिक वायर है, इसका हर पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होगा। अब कैलकुलेशन हमारी सबसे आसान जो है ओ से बैठती है, तो यहीं से हम कैलकुलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड ले लेंगे इसमें। एंड प्लेन एंड आर कनेक्टेड बाय ए स्टिक, जो दो छल्ले इस पर फिसल सकते हैं एंड आर कनेक्टेड बाय ए स्टिक, वो एक धागे से बंधे हैं, जो दो छल्ले इस पर फिसल सकते हैं वो एक धागे से बंधे हैं, पासिंग राउंड ए स्मूथ पेज, जो खुट्टी से होकर के जाती है एट द फोकस, और वो खुट्टी जो है वो फोकस पर है। अब ये पैराबोला है, ये फोकस आपका एस है, तो ये पेज हो जाएगी, तो पेज हो जाएगी तो ये आपका फिक्स पॉइंट हो जाएगा, यहीं से आप डिस्टेंस नापेंगे। अब यहां से होते हुए समझ लीजिएगा कैसे धागा जा रहा है, एक इधर आ जाए थोड़ा सा इधर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इस तरह से आपका धागा जा रहा है और उन पर दो छल्ले जो है वो लटके हुए हैं। अब ऐसे मान लीजिएगा ये धागे का एक पार्ट हो गया, ये धागे का दूसरा पार्ट हो गया, ये हमारे दो छल्ले हो गए हैं, मान लीजिएगा इस छल्ले का नाम ए है, वेट डब्ल्यू वन है, दूसरे छल्ले का नाम बी है और वेट डब्ल्यू टू है, ये हमारा छल्ला हो चुका है, दोनों के वेट हो चुके हैं। अब जो खुट्टी है वो पेज एस पर है, तो एस आपके लिए फिक्स पॉइंट का काम करेगा, वेट नीचे है तो आपको वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए होगी, ये हो जाएगा ये ट्रायंगल तैयार होने जा रहे हैं, ये मान लीजिएगा एल है, ये एम है, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, इस बार फोकस की 12th क्लास की फोकस की डेफिनेशन यूज होगी। आप देखिएगा मेरे जो पॉइंट ए और बी हैं वो मेरे फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो एक्स तो मेरा पॉजिटिव होगा लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव होगा। अब ऐसा कर लेते हैं इनके कोऑर्डिनेट, जो ए वाला कोऑर्डिनेट है वो एक्स वन कॉमा माइनस का वाई वन होगा, बी वाला कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा माइनस वाई टू होगा,
अब इस हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका एल ए है ये तो वाई वन हो जाएगा और एम बी जो है आपका वाई टू हो जाएगा। इस तरह से आप देखेगा तो आपको वाई वन और वाई टू दोनों की वर्टिकल डेप्थ जो है वो पता लग चुकी है। अब एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल है तो पैराबोला की जो इक्वेशन होगी आपकी वो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स हो जाएगी। वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स हो जाएगी। ए वाला पॉइंट भी पैराबोला पर है, बी वाला पॉइंट भी पैराबोला पर है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वाई वन स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स वन, वाई टू स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स टू। अब मुझे वाई वन वाई टू चाहिए है ना, अब मुझे वाई वन वाई टू चाहिए यहाँ से। अब यहाँ से देख लीजिएगा वाई वन स्क्वायर भी हो चुका है, वाई टू स्क्वायर भी हो चुका है, तो यहाँ से एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा वाई वन स्क्वायर अपॉन फोर ए और एक्स टू इक्वल टू वाई टू स्क्वायर अपॉन फोर ए। अब पैराबोला की इक्वेशन से हमारा एक्स वन भी आ गया एक्स टू भी आ गया है। अब वो वाला क्या करेगा, धागे की लंबाई मान लेगा। अब धागे में टेंशन नहीं है, धागे में टेंशन नहीं है, है ना, धागे में टेंशन नहीं मानने के लिए कहा गया है, तो हम धागे की लंबाई को फिक्स लेकर के चलेंगे, है ना। अब दो कोऑर्डिनेट वाई वन और वाई टू आ रहे थे, इन दोनों में संबंध स्थापित करना है, तो थ्योरी में लिया जाएगा कि जो धागा है उसकी जो लंबाई है स्ट्रिंग की लंबाई जो है वो स्मॉल एल है। अब वो फिक्स की तरह से हमारे लिए काम करेगा। अब एल जब लेने जाएंगे तो आपको दो डिस्टेंस जोड़नी पड़ेगी, एस ए और एक एस बी, दो डिस्टेंस आपको जोड़नी पड़ेगी। अब ये हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल इक्वल टू एस ए प्लस एस बी। अब एक एस ए है और एक एस बी है, ठीक है। अब इसके लिए आपको 11th क्लास का एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, फोकस से पैराबोला के किसी भी पॉइंट तक अगर जाते हैं तो आप फार्मूला होता है फोकल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस कहलाती है। आप 11th क्लास का फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, अगर आप पैराबोला में तो फोकल डिस्टेंस का फार्मूला होता है ए प्लस एस, तो यानी कि फोकस से किसी भी पॉइंट की अगर दूरी निकालनी है तो 11th क्लास में उसका फार्मूला ए प्लस एस सिखाया जाता है। आप देखिएगा यहाँ पर, यानी कि ए में एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ दीजिएगा और शर्त यह है पैराबोला में वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स ही होना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा एस ए, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन है ना, तो ये आप तोड़ेंगे ए प्लस एक्स वन हो जाएगा प्लस यहाँ एस बी है, एस बी है, बी का कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस एक्स टू, तो यहाँ से एल इक्वल टू टू ए हो जाएगा, एक्स वन की वैल्यू वाई वन स्क्वायर अपॉन फोर ए हो जाएगी और वाई टू स्क्वायर अपॉन फोर ए हो जाएगा। अब इन सबको एक तरफ ले जाइएगा, यहां से हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल टू 4a इनटू l माइनस 2a। l धागे की लंबाई है वो कांस्टेंट है, 4a लैटिस रेक्टम है वो कांस्टेंट, तो राइट हैंड साइड जो है वो पूरी की पूरी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ये हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां से डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2y1 डेल्टा y1 प्लस 2y2 डेल्टा y2 इक्वल टू जीरो। अब यहां से इक्वेशन आ जाएगी y1 डेल्टा y1 इक्वल टू माइनस डेल्टा y2, इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह से y1 के डिफरेंशिएशन और y2 के डिफरेंशिएशन में जो है रिलेशन आ चुका है। उसके बाद अब वो कह रहे हैं, हाँ सबसे आखिरी लाइन रह गई है, प्रूव दैट इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी देयर वेट्स आर प्रोपोर्शनल टू द वर्टिकल डेप्थ बिलो द एक्सिस। तो वो कह रहा है कि जो आप छल्ले लेंगे उन छल्लों के जो वेट हैं साम्यावस्था जब संतुलित हो जाएगी तो आप सिद्ध करके दिखाइएगा कि जो छल्ले के वेट होंगे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से उनकी डेप्थ बैठेगी उनके समानुपाती होंगे। डायग्राम में W1 वाले की डेप्थ Y1 है और W2 वाले की डेप्थ जो है वो Y2 है, तो यानी कि W1 समानुपाती Y1 के और W2 समानुपाती Y2 के होना चाहिए। अब इसमें वर्चुअल वर्क की इक्वेशन हो जाएगी, अब इक्वेशन ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क की इक्वेशन आप लेंगे तो W1 हो जाएगा W1 के साथ एल ए हो जाएगा डेल्टा एल ए प्लस W2 डेल्टा इसके साथ एम बी हो जाएगा, ये हो जाएगा W1 डेल्टा Y1 प्लस W2 डेल्टा Y2 इक्वल टू जीरो।
तो डब्ल्यू वन डेल्टा वाई वन इक्वल टू माइनस डब्ल्यू टू डेल्टा वाई टू। इक्वेशन वन, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दीजिएगा। डब्ल्यू वन अपॉन वाई वन इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन वाई टू। डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू इक्वल टू वाई वन अपॉन वाई टू। अब इस प्रकार से देखिएगा रिलेशन आपका क्या आता है। आपका रिलेशन आता है डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू इक्वल टू वाई वन अपॉन वाई टू, यानी कि जो भार का अनुपात है, जो वेट का अनुपात है, वही डेप्थ वाई का अनुपात है। तो इसका मतलब है वेट और डेप्थ जो है वो एक दूसरे के प्रपोर्शनल है, यानी कि जो भारी वाला वेट होगा उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी और जो कम वेट वाला होगा उसकी डेप्थ जो है वो कम होगी। अब एग्जाम्पल नंबर सेवन हम लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है। ए स्मूथ रॉड पासेस थ्रू ए स्मूथ रिंग। एक रॉड एक छल्ले से पास होती है एट द फोकस, और वो छल्ला जो है वो फोकस पर है ऑफ एन एलिप्स। एक एलिप्स के फोकस पर वो छल्ला स्थित है हूज मेजर एक्सिस हॉरिजेंटल। उसकी मेजर एक्सिस जो है वो हॉरिजेंटल ले लेंगे। अब ये हो जाएगा आपका एलिप्स, ये मेजर एक्सिस रहेगी आपकी, ये हमारा एलिप्स हो जाएगा और ये हमारी माइनर एक्सिस जाएगी और ये हमारा फोकस हो जाएगा एस। इस फोकस एस पर एक छल्ला है और उस छल्ले में से एक रॉड जो है होती हुई जा रही है। फिर वो कहते हैं एंड रेस्ट इट्स लोअर एंड ऑन द क्वाड्रेंट ऑफ कर्व। अब ये कर्व में चार क्वाड्रेंट होते हैं, उसका नीचे वाला जो सिरा है वो एक कर्व पर टिका, कर्व के क्वाड्रेंट में टिका हुआ है विच इज फार्देस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द फोकस। फार्देस्ट यानी कि दूर की ओर, जो दूर की ओर है फ्रॉम द फोकस, यानी कि फोकस से दूर की ओर जो भी क्वाड्रेंट होगा उस पर जो है आपको रॉड का नीचे वाला सिरा लेना है। अब ये चार क्वाड्रेंट हैं, इनमें से दो तो एस के पास हो जाते हैं और ये दो वाले दूर हो जाते हैं। तो अगर ये सिरा ऊपर आ जाएगा तो वो अपर हो जाएगा। अब निचला वाला सिरा है तो इस वाले क्वाड्रेंट में होना चाहिए, यानी कि आप ऐसे समझिएगा ये आपकी कोई रॉड है, ये आपकी एक रॉड है, ये रॉड बना दी गई है, इसका नीचे वाला सिरा इस वाले क्वाड्रेंट में टिक जाता है जो फोकस एस से दूर की ओर को है, और ये वाला सिरा अभी फ्री है और एस पर एक छल्ला जो है वो बंधा हुआ है। एस को एस फोकस है जो बदल नहीं सकता, तो इसी को फिक्स पॉइंट मान करके हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। फिर वो कहता है फाइंड द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की शर्त याद कीजिए एंड शो दैट इट लेंथ मस्ट बी एट लीस्ट, एंड शो दैट इट्स लेंथ मस्ट बी एट लीस्ट। जो लंबाई है रॉड की वो कम से कम होनी चाहिए 3a/4 प्लस a/4 अंडर रूट 1 प्लस ae स्क्वायर, वेयर 2a इज द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लंबाई 2a है एंड स्मॉल e इज द इसेंट्रिसिटी, और स्मॉल e जो है वो इसेंट्रिसिटी है। अब इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी जो है वो बड़ी है। आप ऐसे मान लीजिएगा ये रॉड है आपकी, रॉड का नाम ये भी ले लीजिएगा, अंदाज से मिड पॉइंट ले लीजिएगा जी, इसका वेट ले लीजिएगा आप डब्ल्यू, और इधर को आप मान लीजिएगा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मान लीजिएगा पोलर इक्वेशन, एस को जब पोल माना जाता है तो पोलर इक्वेशन काम करती है, तो ये क्वेश्चन भी जो है पोलर इक्वेशन में लेकर के चलेंगे। अब ये हो जाता है मान लीजिएगा एंगल थीटा है, अब एस आपका फिक्स पॉइंट होगा तो आपको एक डिस्टेंस ये चाहिए होगी, 90 डाल दीजिएगा और मान लेते हैं ये पॉइंट है के, ये पॉइंट हम के डाल देते हैं। अब हमें कम से कम रॉड की लंबाई जो है वो निकालनी है, ए बी को रॉड है इसकी कुछ लेंथ ले लेते हैं हम, लेंथ में स्मॉल एल नहीं डालेंगे क्योंकि सेमी लैटिस रेक्टम होता है, लेंथ में आप स्मॉल ए वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो लंबाई होती है मेजर एक्सिस जो लंबाई दे रखी है वो 2a दे रखी है, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो डिस्टेंस के लिए कुछ स्मॉल डी डाल लेते हैं, ऐसे लेते हैं लेट ए बी इज द रॉड ऑफ लेंथ
2D and weight W. Its weight acting at midpoint G vertically downward. वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ए बी की जो लेंथ है हमारी जी हो गई, टू डी हो गई है, ए बी की लेंथ हमारी टू डी हो गई है, तो ए जी इक्वल टू बी जी इक्वल टू स्मॉल डी हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट आर थीटा ले लेते हैं, थीटा तो आप देख रहे हैं, एस से बी तक की जो डिस्टेंस आपकी आर हो जाएगी। अब ले लेते हैं सिंस एस इज फिक्स्ड पॉइंट, सो डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम एस वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा आप नीचे की तरफ डिस्टेंस रखेंगे। अब इस वाले ट्रायंगल को आपको जाना है तो आपको एल जी चाहिए, एल जी चाहिए। अब ये आपको पता है एस जी जब निकालने जाएंगे तो आप एस डी लेंगे, एस डी माइनस बी जी, ये हो जाएगा आपका आर माइनस ए, आर माइनस ए हो जाएगा एस जी की वैल्यू, सॉरी आर माइनस ए की वैल्यू गलत कर दिया मैंने, आर माइनस डी। अब इस ट्रायंगल मान लीजिएगा इन ट्रायंगल एस ए जी, आप यहाँ से के जी निकालिएगा, के जी इक्वल टू हो जाएगा एस जी, और थीटा के सामने का है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस डी साइन थीटा। आर माइनस डी आपके पास साइन थीटा आ चुका है। आप पोलर इक्वेशन लेते हैं, पोलर इक्वेशन ऑफ एस, एल अपॉन आर इक्वल टू वन माइनस ई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर वन। यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिएगा, आर इक्वल टू एल अपॉन वन माइनस ई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर वन। यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, के जी इक्वल टू एल अपॉन वन माइनस ई कॉस थीटा माइनस डी, और बाहर आपका साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से के जी की वैल्यू आपकी बन जाती है एल साइन थीटा अपॉन वन माइनस ई कॉस थीटा माइनस का डी साइन थीटा। अब देखिएगा वेट की जो वर्टिकल डेप्थ है वो हम निकाल चुके हैं, अब वर्चुअल वर्क की इक्वेशन में चलते हैं। अब सारी जो डिस्टेंस है वो थीटा की टर्म्स में आ चुकी है। यहाँ पर आप लाइन लिख देंगे दैट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेस्ड सच दैट थीटा बिकम थीटा प्लस डेल्टा थीटा फुल स्टॉप बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो यहाँ पर आप लेंगे W डेल्टा के जी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि W इज नॉट इक्वल टू जीरो इज टू इम्प्लाइज डेल्टा के जी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा के जी की वैल्यू देख लीजिएगा एल साइन थीटा अपॉन वन माइनस ई कॉस थीटा माइनस डी साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ थीटा का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ देखिएगा, यहाँ तो पहले डिवाइड रूल लगेगा, एल को तो आप बाहर कर लीजिएगा, वन माइनस ई कॉस थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। अगर दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा ई साइन थीटा अपॉन वन माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये एल के साथ की टर्म जो है वो पूरी हो चुकी है माइनस, यहाँ जी कॉस थीटा हो जाएगा बार डेल्टा थीटा इक्वल टू जीरो। कंडीशन अप्लाई कर देंगे डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ से हम कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं,
अब देखिए क्या बचता है यहाँ पर, ई साइन थीटा है और यहाँ पर एल को अंदर लाएंगे, एल कॉस थीटा होगा माइनस ई एल कॉस स्क्वायर थीटा होगा माइनस ई एल साइन स्क्वायर थीटा माइनस ई कॉस थीटा के साथ वन माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों टर्म को देख लीजिएगा, माइनस का ई एल कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो वन में चली जाएगी। तो यहाँ पर हो जाता है आपका एल कॉस थीटा माइनस ई एल माइनस ई कॉस थीटा वन माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये हो चुका है ये इक्वेशन नंबर टू। अब इस इक्वेशन में हमें डी पढ़ा हुआ है, हमसे रॉड की मिनिमम लेंथ पूछी है, रॉड की क्या पूछी है मिनिमम लेंथ, एट लीस्ट वर्ड हमारी क्वेश्चन की थ्योरी में लगा हुआ है। अब देख लीजिएगा लेंथ की जो रॉड होगी वो कब कम से कम होगी, द लेंथ ऑफ रॉड विल बी एट लीस्ट व्हेन। रॉड की रॉड का नाम आपका ए भी है, आप चाहते हैं कि रॉड की जो लंबाई है वो कम से कम हो। अब बुक में ये क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि रॉड का एक सिरा जो है वो छल्ले से होकर के जाता है, छल्ला फोकस एस पर है, दूसरा सिरा नीचे टिका हुआ है, तो आप ये वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई, ये वाला जो ए वाला पॉइंट है, ये ए वाला पॉइंट यहाँ एस पर रख दीजिएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है ए वाली लंबाई एस, ए वाला पॉइंट एस पर आ जाता है, तो आपकी जो रॉड की लंबाई है वो कम से कम हो जाएगी। ये शर्त लगा लेते हैं व्हेन एंड ए ऑफ रॉड कॉम साइड विद फोकस एस, यानी कि जब रॉड का ऊपर वाला सिरा ए वाला सिरा एस पर आ जाएगा, है ना, तो यानी कि आगे की लंबाई अगर जीरो हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो रॉड की लंबाई है वो कम से कम होगी। तो इस स्थिति में ये वैल्यू जो है हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ से जब ये एस वाला सिरा यहाँ आ जाएगा, ए वाला सिरा यहाँ आ जाएगा, तो पूरी जो लंबाई है ए बी जो है वो आर के इक्वल हो जाएगी। नाउ ए बी इक्वल टू आर, दिस टू इंप्लाइज टू डी इक्वल टू आर। इक्वेशन नंबर वन से उठा लीजिएगा, बाय इक्वेशन वन टू डी इक्वल टू आर की वैल्यू एल अपॉन वन माइनस ई कॉस थीटा। अब यहाँ से टू डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, अब इसे इक्वेशन में रख दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन टू। अब ऐसा आप इक्वेशन नंबर टू में रखने जा रहे हैं, एल कॉस थीटा हो जाएगा माइनस ई एल हो जाएगा माइनस का, यहाँ देखिएगा डी कॉस थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा एल अपॉन टू वन माइनस ई कॉस थीटा इंटू वन माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और एक पावर जो है यहाँ से कट जाएगी, एक पावर यहाँ से कट जाएगी। अब देखिएगा एल भी पूरे में से कॉमन आ रहा है, एल भी मैं हटाने वाला हूं क्योंकि एल इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां से आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस ई माइनस वन माइनस ई कॉस थीटा। अभी यहां पर वैल्यू एक मेरे से बच गई है, डी की वैल्यू ऊपर एल कॉस थीटा और है, तो ये टू इंटू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी, उसे इक्वेशन नंबर वन में ले जाकर के रखेंगे तो हमारी लेंथ जो है वो प्राप्त हो जाएगी।
अब ऐसे लिख लेते हैं, इसे डाल देते हैं, ये लंबाई पड़ी हुई है, इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, टू कॉस थीटा माइनस टू ई माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, ई कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस का कॉस थीटा माइनस का टू ई इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें धराचार्य का फार्मूला लगा दीजिएगा। अब धराचार्य का फार्मूला लगा करके कॉस थीटा की वैल्यू जो है निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन हो जाएगा प्लस माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू वन हो जाएगी माइनस माइनस प्लस चार दूनी आठ टी स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा टू ई, ये वैल्यू आपकी आ जाती है, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ गई है यहाँ से। अब यहाँ पर दो साइन है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू जो है मुझे यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 में डालनी है और लीस्ट वैल्यू, और यहाँ से जो है लीस्ट वैल्यू मुझे निकालनी है, तो लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए आप इसका जो साइन है वो आप कंसिडर कर लीजिएगा, पॉजिटिव साइन ले लीजिएगा, टेक पॉजिटिव कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एट ई स्क्वायर और अपॉन टू ई, ये वैल्यू आपके पास आ गई है 14 इक्वेशन 3। ये जो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आई है, ये कॉस थीटा की वैल्यू वो आई है जिस पर कॉस थीटा की वो वैल्यू आई है जिस पर हमारी सबसे कम जो है रॉड की लेंथ हमारी प्राप्त होगी। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं और 2D का सबसे छोटा मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब यहां देख लीजिएगा 2D इज इक्वल टू एल अपॉन वन माइनस ई कॉस थीटा है तो ई कट जाएगा माइनस वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एट ई स्क्वायर अपॉन टू, ये वैल्यू हमारी आ जाती है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2D को लिख देते हैं लीस्ट लेंथ ऑफ रॉड, तो ऊपर लेके जाएंगे तो 2L हो जाएगा, ये 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8 ई स्क्वायर, अब ये वैल्यू आ जाती है आपकी। अब हम आंसर तो हमारा आ चुका है लेकिन आंसर अभी बुक से मैच नहीं कर रहा है, तो इसे मैच कराने के लिए कॉन्जुगेट डालिएगा, 2L हो जाता है ऊपर और 3 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 ई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 9 माइनस 1 माइनस 8 ई स्क्वायर, तो यहाँ से देखिएगा डॉमे से एक जाएंगे तो 8 बचेगा 8 कॉमन आ जाएगा 2 ऊपर बचा हुआ है तो ये हो जाएगा एल अपॉन 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 ई स्क्वायर और अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आपका 1 माइनस ई स्क्वायर आ चुका है। अब यहाँ पर जो है अब हम वैल्यू डालने वाले हैं यहाँ पर 1 माइनस ई स्क्वायर की 3 प्लस, अब ये वैल्यू आप देखिएगा इसका जो आंसर है उस आंसर को आप देखिएगा, उस आंसर में सीबी लेटर सेक्टर नहीं पड़ा हुआ है। अब आप 11th क्लास का फार्मूला लगाएंगे, कॉमा लगा देता हूँ चूंकि एल इज इक्वल टू सीबी लेटर सेक्टर का फार्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए होता है और बी स्क्वायर को जब आप तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ए, ये हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर जो है बन चुका है। तो जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वल टू में हो जाएगा एल की वैल्यू रखेंगे ए 1 माइनस ई स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए बाई 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 ई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाता है आप ए बाई 4 को अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाता है 3 ए बाई 4 प्लस ए बाई 4 अंडर रूट 1 प्लस 8 ई स्क्वायर, 1 प्लस 8 ई स्क्वायर, इस तरह से आपकी वैल्यू बन चुकी है। अब ये जो है अब आप ये देख लीजिएगा
जो चैप्टर है उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो खत्म हो चुके हैं। चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल जो है खत्म हो गए हैं अभी, लेकिन इसमें भी आर्टिकल बचे हुए हैं, अभी इसमें हमारे आर्टिकल और करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाई जाएगी उसमें, अभी ये समझ लीजिएगा आप, जो इस वाले चैप्टर में आर्टिकल बचे हों 1 2 3 4 आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल में से 2 आर्टिकल आपको मैं कराऊंगा, बड़े बड़े आर्टिकल मैं करा दूंगा, 2 आपको होमवर्क में दूंगा, और वो एक आर्टिकल जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि कभी कभी आर्टिकल भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम वर्चुअल वर्क वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अभी तक आप जो है इसके क्वेश्चन को ये कंप्लीट कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 2E को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये वर्चुअल वर्क वाला चैप्टर जो है हमारा खत्म हो जाता है। और इससे आप ये मान करके चलेगा एग्जाम में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है पक्का मिलेगा, और वो क्वेश्चन आपको हर हालत में करके ही आना है।